गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आई होप आप लोग घर में सब सेफ हैं और हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। और घर में भी आप लोग ड्राइंग क्लास मैंने जो लिया था पहले, आप लोगों ने घर में ट्राई भी किया होगा, आपने कॉपी में कुछ बनाया होगा। तो आज हम फिर दूसरा एक टॉपिक में जाएंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले, जैसे मैंने पहले क्लास में कुछ बताया था कि हम लोग पहले सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो उसी हिसाब से मैं पहले एक सब्जेक्ट डाल रहा हूँ। तो आज हम फिश अंडर वाटर का ड्राइंग बनाएंगे, तो पहले फिश से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे सिंपल हमेशा सब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करने से अच्छा लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट को बड़ा करने से ठीक लगता है, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आप यहां पे कितना इजी है, ये सब सेम्स हैं, पहले भी हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, शुरुआत से इसको फेस कर पहले थोड़ा स्माइल फेस करना है इसके लिए। ये बन गया उसका मुंह बन गया। इसके बाद ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे और इसको तो ये बन गया आपका फिश का बेस बन गया। बेस बनने के बाद आप इसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी टेक्सचर या लाइंस देके आप अपने हिसाब से फिश बना सकते हो। तो मैं कोई एक चीज बना रहा हूँ, आप लोग आप उसको चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने जैसे सिखाया कि आप वैसे करना, बस आप एक बेसिक जो उसका आइडिया दे दिया है आप उसी हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ की शुरुआत में मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, फिर इस जगह पे ऐसा कर लेता हूँ, ये फिश बहुत कलरफुल होते हैं। इसमें आप अपने साथ यहाँ चाहो तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाल सकते हो, यहाँ जाओ तो आप ऐसे ऐसे झिकझक लाइन भी डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये चीज को आपके घर में एक्सपेरिमेंट भी करो, मैं इसलिए सब बता रहा हूँ आप एक्सपेरिमेंट करो। ये बनने के बाद इसको थोड़ा सा उसके बाकी चीजें सब डाल, जैसे ये हो गया, पीछे वाला साइड में ऐसे रिंग्स होता है, ऊपर तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये मेरा फेस बन गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसको लेके मैं बाकी चीज डालूंगा, जैसे मैं छोटा छोटा कुछ चीज डालूंगा यहाँ पे, सब पे ना सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कैसे करना है मैं दिखा रहा हूं, मेरा बेस बना रहा हूं आराम से। सबके पीछे ये लाइन में जोड़ देना है, सबके यहाँ पे इसका सेंटर बनाना है, लिप्स टाइप का बनाना है, आंख बनाना है, बहुत इजी। सेम इस तरफ भी मैंने बनाया तो बनाऊंगा। पीछे वाला पार्ट इस जॉइंट करते जाऊंगा सबका। ऊपर सबका ऊपर डाल दिया मैंने इसे, फिर से नीचे अभी इसके अंदर आप चाहोगे तो मैंने बहुत छोटा बना कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बनता है तो आप इसके अंदर और लाइंस डाल सकते हैं। ये लाइंस में इसलिए डाल रहा हूं, हर ब्लॉक में आप कलर चेंज कर सकते हो या डिफरेंट कलर का सेटिंग दे सकते हो इस बीच में। मैंने उसमें टेक्सचर दिया है, इसको मैंने सिंपल शॉर्ट नहीं दिया रहा हूं, ऐसे ऐसे मैंने इसमें
मैंने जो बताया था पहले जिगजैग वाला टू टू लाइन कहते हैं इसमें, तो ये बन गया आपका अंडर वाटर के अंदर नीचे। बाकी क्या क्या बन रहा है उसके नीचे लैंड का, कुछ पानी के नीचे भी जो लैंड का पोर्शन रहता है, बालू रहता है, सेल्स रहता है, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, कुछ नहीं सिंपल। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। यहां पे काम करते हैं और पेज डालते हैं, इसका पेट वाला सेल ऑन होता है, पेट पीछे वाला पेट आप बना दिया है, उसके बाद इसके ऊपर बॉक्स जैसे रहता है इसके ऊपर चलाना है। पानी में जब चलते हैं फिश को ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो बबल्स छोड़ते हैं, छोटा बड़ा बबल्स लगाएंगे, वो अच्छा लगता है देखने में। बबल्स जब बनाते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी छोटे छोटे फिश हैं तो छोटे छोटे बबल्स। इसको काउंटिंग में बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काउंट भी कर सकते हो। जरूर नहीं कि सर ने चार बनाया बबल्स तो फोर ही बनाना है, थ्री बनाया तो थ्री बनाना है, आप अपने हिसाब से। अगर आपको दर-दर पेपर में ज्यादा स्पेस है तो आप थोड़ा और सजा सकते हो, ये डिपेंड करता है प्लेस के हिसाब से। ये आपका अंडर वाटर का बन गया मटेरियल, तो पानी में वेव देंगे, ये हो गया आपका वाटर। वेव बन गया। अब वेव बनने के बाद हम थोड़ा सा दूर से उसका लैंड दिखाएंगे। लैंड दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन करने से डालेंगे, ऐसे सीधा पूरा एक लैंड करने स्ट्रेट लाइन डाले, और क्योंकि ये दूर में है इसलिए यहाँ पे हल्का सा ऐसे छोटा छोटा करके पहाड़ी टाइप के पेड़ रहते हैं मैंने दिखाया यहाँ पे। तो ये आपका अंडर वाटर बन गया है। यहाँ पे इसके हिसाब से जैसे मैंने कंपोजिशन पहले मैंने सब्जेक्ट शुरू किया, पहले मैंने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने बाकी सारे चीज को उसके साथ कंपोज किया। तो जिस आप लोग अगर फिस प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिस को प्रैक्टिस कीजिए घर में, उसके बाद धीरे धीरे इसको ऐड करते जाएंगे तो आपका पूरा ये जो बन जाता है सीनरी टाइप का या अंडर वाटर का पूरा कंपोजिशन, ये पूरा कंपोजिशन बन जाएगा। बस सब चीज के लिए पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आई थिंक आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, होप आप लोग इसको और अच्छे से बनाएंगे, घर में अच्छे से दिखाएंगे सबको। थैंक यू।